नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक और नई वीडियो में। दोस्तों आप देख रहे हैं स्टडी विद हेमन यूट्यूब चैनल। दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं जो आपके एमपी बोर्ड में मासिक टेस्ट लिए जा रहे हैं अगस्त महीने के। तो दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से आपको कक्षा 10वीं मैथमेटिक्स यानी कि गणित का कम्प्लीट सोल्यूशन बताया जाएगा, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों देर किस बात के, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, इसी प्रकार की वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। ठीक है, यहाँ पर देखिए दोस्तों समय आपको 1 घंटे मिलेगा यानी कि 60 मिनट मिलेंगे। और दोस्तों यहाँ पर देखिए टोटल जो अंक हैं आपके 20 अंक है, आपका मासिक टेस्ट लिया जा रहा है। ठीक है, चलिए दोस्तों सॉल्यूशन को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन दिया गया था 96 और यहाँ पर दिया गया 404 का हमें एचसीएफ ज्ञात करना है दोस्तों। तो इसका एचसीएफ यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों 4। ठीक है, यहाँ पर सेकेंड ऑप्शन दिख रहा है, राइट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, फिर आता है सेकंड क्वेश्चन, यदि a1 / a2 बराबर b1 / b2 बराबर नहीं है c1 / c2 तो समीकरण निकाय होगा। तो दोस्तों हमें बताना है समीकरण निकाय क्या क्या एक अद्वितीय हल होगा या कोई हल नहीं होगा या अनंत अनेक हल होंगे या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका जो आपका आंसर हो जाएगा कोई हल नहीं होगा, क्या सेकेंड वाला आंसर हो जाएगा कोई हल नहीं होगा। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो दोस्तों ये बात ध्यान रखें, यहाँ पर जो टिक लगा है गलत लग रहा है, मैं जो आपको बता रहा हूँ वो आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, क्योंकि वीडियो को इसको बिल्कुल भी नहीं करना, तभी आपको सभी आंसर सही मिल पाएंगे। फिर क्वेश्चन नंबर 3, यदि द्विघात बहुपद ax2 + bx + c की शून्य एल पर बीटा हो तो एल पर प्लस बीटा का मान होगा। ठीक है, इसका भी हम आंसर आगे देखेंगे। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, द्विघात समीकरण ax2 + bx + c बराबर 0 का विभक्तर होगा। तो दोस्तों विभक्तर का सूत्र था d = b² - 4ac की ए वाला ऑप्शन सही है। अब दोस्तों चारों क्वेश्चन के तीसरे क्वेश्चन का भी आंसर मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर देख लीजिए। देखिए आपका टेस्ट का सोल्यूशन है, पहले क्वेश्चन का आंसर 4 मैंने आपको बताया था, सेकंड का कोई हल नहीं होगा, थर्ड का होगा α + β होता है दोस्तों -b/a। ठीक है, क्या होता है दोस्तों -b/a, जबकि जो विभक्तर होता है डी बराबर होता है हमारा दोस्तों b² - 4ac, यहाँ पर ये लिखा गया है, इसे नोट कर लीजिएगा। ठीक है, फिर आगे बढ़ेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा दोस्तों रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो फर्स्ट रिक्त स्थान में आएगा आपका दोस्तों अपरिमेय, क्या अपरिमेय। सेकंड रिक्त स्थान में आएगा प्रतिच्छेद करती है, थर्ड में आएगा दोस्तों बहुपद और चौथे में आएगा बराबर और वास्तविक होंगे। कैसे होंगे दोस्तों, बराबर भी होंगे और वास्तविक भी होंगे, इस तरीके से आपका आंसर हो जाएगा रिक्त स्थानों की पूर्ति का। ठीक है, अब दोस्तों ये हमारे कितने कितने क्वेश्चन हो चुके हैं, यहाँ पर 4 आपके रिक्त स्थान यानी 4 अंक के हो चुके हैं। और आपका देखिए और जो सही विकल्प दिए गए थे 1, 2, 3 सही विकल्प दिए गए थे। ठीक है, अब आगे बढ़ते दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया था, संख्या 6 और 20 का हमें क्या आवाज गुणनखंड विधि से एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले 6 को हम काटेंगे, सबसे पहले आप 2 को हम इस तरीके से काटेंगे, 6 कितनी बार कटेगा 3 बार। ठीक है, 6 2 से काटेंगे तो 3 बार जाएगा, 2 × 3 = 6, फिर 3 बचेगा तो 3 से 1 बार कटेगा। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देंगे 6 बराबर क्या हो जाएगा 2 × 3, यहाँ पर मैंने लिख दिया। उसके बाद 20 को करेंगे, ठीक है 20 को कर देते हैं, 20 को करेंगे दोस्तों 2 से काटेंगे तो ये 10 बार जाएगा। ठीक है, फिर दोस्त करेंगे तो ये 5 बार जाएगा, 5 6 बचे हैं तो 5 से 1 बार कट जाएगा, तो 2 2 और 5 यहाँ पर इसका हो जाएगा। ठीक है, 2 2 और 5। ठीक है, अब इसका हमें एलसीएम और एचसीएफ निकालने हैं। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए जो देखिए एलसीएम हो जाएगा 6 और 20, इसका 3 × 6 = 20 और एचसीएफ यहाँ पर देख लीजिए 2 × 2 = 3 × 5 यानी कि 60 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि दोस्तों इसमें जो कॉमन है यहाँ पर देखिए 2 अकेला कॉमन है, इसलिए एचसीएफ 2 आएगा। ठीक है, जबकि जो एलसीएम होता है दोस्तों वो 60 आ जाएगा। सभी में से जो संख्या 1 बार होती है उनको हम नोट कर लेते हैं। ठीक है, तो 2 × 2 × 3 × 5 ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से एक क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4, देखिए एल्फा प्लस बीटा का मान दोस्तों हमें दिया गया है -1/4। ठीक है, जबकि एल्फा इंटू बीटा का दिया गया है -1। एल्फा प्लस बीटा होता है योगफल और ये होता है गुणनफल। ठीक है, मूलों का योगफल प्लस मूलों का गुणनफल। ठीक है, अब हमें क्या बहुपद ज्ञात करना, तो बहुत ही सिंपल फॉर्मूला होता है हमारे पास x² - α + β, फिर कोष्ट x होता है प्लस α × β = 0। बस आपको इसमें α + β और α × β के मान रख देना, उसके बाद आपको आंसर देखने को मिल जाएगा। तो α + β का मान -1/4 है, α × β का मान -1 है। ठीक है, तो हमने मान रख दिया, उसके बाद यहाँ पर देखिए -1 वाला हमारा प्लस हो जाएगा और ये -1 और -1 हो जाएगा। ठीक है, तो x² + 1/4 x - 1 = 0, तो 4 का एलसीएम ले लेंगे, इसको गुणा कर दीजिए 4x² + x - 4 = 0। तो ये क्वेश्चन नंबर आपका 4 का आंसर यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, क्वेश्चन 5, मान एक पेंसिल का मूल्य x रुपये तथा एक कलम का मूल्य y रुपये है। ठीक है, तो दोस्तों जो हमें समीकरण में प्रश्न के अनुसार दिया गया था यहाँ पर आपको सॉल्व कर देना है। तो 5x + 7y = 50 आ जाएगा, 7x + 5y = 46 आ जाएगा, समीकरण दोनों हो गए।
फिर इन दो समीकरणों को आपको कोई भी विधि लगा सकते हैं, प्रतिस्थापन, बद्धकोण, कोई भी विधि से आप इसे हल कर सकते हैं। ठीक है, समीकरण एक में सात का गुणा तथा समीकरण दो में पाँच का गुणा कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर इस तरीके से गुणा कर देंगे सात का पाँच का, तो ये 35x + 49y = 350 हो जाएंगे और ये हमारे हो जाएंगे दोस्तों 35x + 25y = 230। ठीक है, तो यहाँ पर घटा देंगे तो चिन्ह चेंज हो जाएंगे, तो प्लस का था माइनस को जाएंगे, तो ये 35x - 35 कट जाएंगे, तो हमारे 24y हो जाएंगे = 120। तो y बराबर क्या हो जाएगा, 120/24, तो ये y का मान 5 हो जाएगा। ठीक है, अब इस y के मान को आप चाहे समीकरण एक में भी रख सकते हैं और समीकरण दो में भी रख सकते हैं। तो हम y का मान समीकरण एक में रख देंगे, तो 5x - 7 y का मान 5 रख दिया, तो 5x = 35, तो 35 घट जाएंगे, तो y बराबर क्या आ जाएगा दोस्तों आपका यहाँ पर, सॉरी x बराबर आपका आंसर 3 आ जाएगा। ठीक है, अगर आप उत्तर की आप जांच करना चाहते हैं तब भी आप इसे आसानी से उत्तर की जांच भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अतः पेंसिल का मूल्य 3 रुपये तथा कमल का मूल्य 5 रुपये। क्वेश्चन नंबर 6 है, हमें एक दिए समीकरण दिया गया था x - 1/(x = 3) है, जो कि x = 0 नहीं है, तो सॉल्व करना है। ठीक है, तो इसका एक्स का इसमें गुणा करेंगे तो x² - 1/3x हो जाएगा, तो x² - 3x - 1/0, तो ये आपका वर्ग समीकरण बन गया। ठीक है, बहुत ही सिंपल तरीके से हल कर सकते हैं। समीकरण एक की तुलना ax² + bx + c = 0 से करेंगे, तो यहाँ पर हम समीकरण की तुलना करेंगे तो a = 1, b = -3, c = -1। ठीक है, ठीक है, अब इसे हम क्या है जो हमारा फॉर्मूला होता है उसे सिद्ध, हम इसके मूल निकाल लेंगे जो कि होता है -b + -√b² - 4ac/2a। तो यहाँ पर एक देखिए, ए का मान हमें एक दिया गया, तो ए की जगह पे हम एक रखेंगे, बी की जगह पे -3 रखेंगे और सी की जगह पे -1 रखेंगे इस फॉर्मूले में। ठीक है, मान रखने के बाद इसे सॉल्व कर देना है, सॉल्व करेंगे तो आपका देखिए ये आपका आंसर आ जाएगा। प्लस चिन्ह लेंगे तो दोस्तों आंसर आएगा x = 3 + √13/2, और माइनस चिन्ह लेंगे तो x = 3 - √13/2 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से दोस्तों क्लास आपका जो 10th का मैथमेटिक्स का सॉल्यूशन यहाँ पर कंप्लीट होता है। दोस्तों अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो वीडियो के लिए लाइक बटन जरूर दबा दें, और इसी प्रकार अगर आप अदर सब्जेक्ट के क्लास 10th के सॉल्यूशन चाहते हैं, साइंस, मैथमेटिक्स, सोशल साइंस, आपका संस्कृत, हिंदी एंड इंग्लिश, तो कमेंट करके जरूर बताएं, तो हम आपको उसका सॉल्यूशन बहुत ही जल्द प्रोवाइड करा देंगे। तो इस वीडियो को ये समाप्त करते हैं, धन्यवाद दोस्तों वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए।